हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरवजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केयर्स के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडमी नोट 10 प्रो में आप रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में चले आना है। सेटिंग्स में जाने के दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर रिंगटोन की ऑप्शन मिल जाएगी, इस पर हम क्लिक कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फोर बॉक्सेस देखेंगे, पहला, ये दूसरा और तीसरा, ये चौथा। दोस्तों ये जो तीन बॉक्सेस हैं ये तीनों ही रिंगटोन्स हैं। आपको अगर इनमें से कोई भी रिंगटोन अच्छी लगती है तो आपको सिंपली उस बॉक्स पर क्लिक कर देना है और रिंगटोन सेट हो जाएगी। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी रिंगटोन नहीं अच्छी लगती है तो आपको ये चौथे बॉक्स पर क्लिक करना है जो ग्रीन कलर का है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे रिंगटोन्स ओपन हो जाएंगी। आपको इनमें से भी जो भी रिंगटोन अच्छी लगे आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना और वो रिंगटोन सेट हो जाएगी। अगर आप फिर भी इनमें से भी कोई रिंगटोन नहीं सेट करना चाहते और आप अपने इंटरनल स्टोरेज से रिंगटोन को सेट करना चाहते हैं, जो भी आपने म्यूज़िक डाउनलोड कर रखा होगा या फिर सॉन्ग डाउनलोड कर रखा हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ओपन आ जाना है। आप देखते हैं यहाँ पर आपको चूज़ लोकल रिंगटोन की ऑप्शन मिल जाएगी, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, आप रिकॉर्डर से भी रिंगटोन सेट कर सकते हैं, फाइल मैनेजर से और म्यूज़िक प्लेयर से। तो मैं आपका म्यूज़िक प्लेयर से करके दिखाता हूँ। ये म्यूज़िक पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर आपका जो म्यूज़िक प्लेयर है वो ओपन हो जाएगा। जो भी आपके सॉन्ग्स होंगे वो सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो जो भी आपको सॉन्ग सेट करना है सिंपली आपको ऐसे यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से और यहाँ पर ओके पर ऊपर क्लिक कर देना है। राइट साइड पर ओके पर क्लिक कर देंगे और वो आपका जो सॉन्ग है वो रिंगटोन पर सेट हो जाएगा।